नमस्कार, ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको चेहरे को गोरा बनाने के लिए कुछ ऐसे उपटन बताऊंगी जिनकी मदद से आपका चेहरा बहुत ही गोरा और सुंदर हो जाएगा। पर दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आती हूँ। तो आइए देखेंगे चेहरे को गोरा करने वाला उपटन कैसे बनाएं। उपटन एक ऐसी चीज़ है जो घर पर बनाई जाती है और जिसकी मदद से आपका चेहरा काफ़ी अच्छा हो सकता है। पुराने ज़माने में हर कोई उपटन का इस्तेमाल करता था, पर आज के ज़माने में मार्केट में कई सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गई है और उन्हें इस्तेमाल करके हम हमारी स्किन को और भी ख़राब कर लेते हैं। पर उपटन एक ऐसी चीज़ है जिसके इस्तेमाल से आपके चेहरे में काफ़ी आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे उपटन बताऊंगी जिसकी मदद से आपको गोरा और बहुत ही सुंदर त्वचा मिलेगी। तो आइए वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहला उपटन का रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको चाहिए दूध की मलाई और शहद। शहद में एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर पोषक तत्व होते हैं और दूध की मलाई में लैक्टिक एसिड होता है, जिसकी मदद से आपका चेहरा काफ़ी साफ और बहुत अच्छा हो जाता है। इन दोनों के मिश्रण को अपने चेहरे पर आधे घंटे के लिए लगाकर रख दीजिए। उसके बाद अपने चेहरे को धो लीजिए। ऐसा करने से आपकी जो त्वचा है वो काफ़ी मुलायम और ग्लोइंग बन जाएगी, और ड्राई स्किन के लोगों के लिए तो ये उपटन बहुत ही अच्छा है। इसके बाद मैं आपको दूसरा उपटन बताऊंगी। इसके लिए आपको चाहिए दही, हल्दी और बेसन। दही हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड, जिसकी मदद से दाग धब्बे हट जाते हैं। हल्दी एक नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी माना जाता है, जिसकी मदद से हमारे चेहरे पर एक निखार आता है। साथ ही साथ ये एक एंटीबैक्टीरियल भी होता है, और बेसन हमारे चेहरे को बहुत अच्छे से साफ करता है। इस मिश्रण को आधे घंटे के लिए अपने चेहरे पर लगा लीजिए और उसके बाद धो लीजिए। आपका चेहरा काफ़ी साफ, गोरा और मुलायम हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको तीसरी उपटन की रेसिपी बताऊंगी। इसके लिए आपको चाहिए केला। केला में विटामिन सी होता है और बहुत अच्छे अच्छे पोषक तत्व होते हैं, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद आपको चाहिए शहद और नींबू। नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है और हमारे चेहरे को बहुत साफ और निखार देता है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इस पेस्ट को अपने चेहरे पर 15 से 20 मिनटों के लिए लगा लीजिए। उसके बाद अपने चेहरे को धो लीजिए। ऐसा करने से आपका चेहरा काफ़ी साफ और सुंदर और गोरा, साथ ही साथ काफ़ी ग्लोइंग हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 3 अनोखे उपटन की रेसिपी आपके लिए, जिसकी मदद से आप गोरे और सुंदर बन सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो मैं आपको मिलूंगी और एक ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।